आदतों के बाद हम भी सर फिर ऐसे हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसे के हो गए। आई एम मेहरू निसा और मेहरू मेरा माजी आज जिंदा होकर मेरे सामने आ गया। दो लोगों ने दस्तक दी है तो मैंने सोचा कि धोखा ही खाना है तो धोखा दिल फरेब तो हो। सप्रेस्ड कैरेक्टर था बिगिनिंग में और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से जो उसकी सप्रेस्ड थॉट्स हैं, जो उसकी ड्रीम्स हैं, जो ऐसी विशेस हैं जो नहीं फुलफिल हो सकी, उनको वो जी रही है। लोगों से, माशरे से, बच्चों से किससे खौफजदा हूँ मैं और क्यों? आई थिंक मैं रियल लाइफ में बहुत सारे इमोशंस जो मेहरू निसा जिसमें से गुजर रही है उससे 100% रिलेट करती हूँ। मैं अगर रियल लाइफ में मेहरू जैसे कैरेक्टर से मिलूँगी तो मैं उसको कहूँगी कि जस्ट लिव योर लाइफ, इट्स वन लाइफ एंड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग चांसेस। और लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, और जो गिरता है वही उठता है, और गिर के उठने वाले ही जो है ना वो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और लाइफ में लोगों की जजमेंट्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी को मत डिफाइन करें। बिलाल अब्बास इज़ अ वंडरफुल सोल और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ही इज़ अ वेरी क्वाइट टाइप पर्सन, सो एम आई, तो हम वी डू गेट अलॉन्ग रियली वेल। मैं हूँ आपके साथ। आज से तुम यहाँ बैठोगे। घर की सरबरा तो आप हैं। सरबरा ही मर्दों पर जचती है। ऐसा मत बोले और तो बुरा मान जाएंगे। He's right. रकीब से जो है वो इट वॉज लाइक अ नॉवल, और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो टोटली एक सप्रेस्ड औरत का था, और उसमें भी वो ब्रेक फ्री करती है और अपनी बेटी को लाती है। इसमें ये है कि मेहरू निसा जितनी सबमिसिव है उतनी एट द सेम टाइम उसके अंदर एक डोमिनेटिंग पार्ट भी है, और उसको पता है एक पॉइंट के ऊपर कि व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी और नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ये स्क्रिप्ट अगेन आई वुड से कि थैंक्स टू मोमना दुरेद जिन्होंने मुझे खुद कॉल किया और कहा कि ये स्क्रिप्ट मैं भेज रही हूँ, उसको पढ़ो और इसमें यू नो यू आर गोइंग टू लाइक इट। मैंने कहा अगर आपने कह दिया तो डेफिनेटली डन है, लेकिन जब स्क्रिप्ट आया और मैंने पढ़ा तो और बार बार पढ़ा तो मुझे मैं जितना ज़्यादा पढ़ रही हूँ उसमें मुझे उतनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, और जितनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं मुझे वो उतना ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, दानिश इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और कितने भी इंट्रिकेट और कितने भी ऐसे हमारे सीन्स हुए हैं जिसमें इमोशंस के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं, उसमें बिट ऑफ लाइट मूड, बिट ऑफ क्रिटिकल मूड्स, बिट ऑफ इमोशंस, तो इस समझ लें कि इट्स अ एमलगमेशन ऑफ ऑल द हाइज एंड लोज ऑफ इमोशन। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने मेरे बाप के साथ वफा नहीं की। वफा जिंदों के साथ की जाती है, मरने वालों को दुआ दी जाती है। ऑडियंस से तो बस मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट, और स्क्रिप्ट अच्छा है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा। बाकी सारी ऑडियंस को तो आप प्लीज़ कर भी नहीं सकते, मतलब यानी हर एक को हर चीज़ या हर स्क्रिप्ट और हर ड्रामा अच्छा भी नहीं लगता, कुछ को अच्छा लगता है कुछ को नहीं अच्छा लगेगा, सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये लोगों को पसंद आए। रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे, हमें तो झूठे सहारे फरेब देते रहे। मैसेज टू द ऑडियंस इज़ कि
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को जज ना करें, और अगर जजमेंट के बियॉन्ड इस ड्रामे को देखेंगे तो यू आर गोइंग टू लाइक इट।